sare. अरे होएगी मैथ थोड़ी देर बाद में. पहले ये पर फिजिक्स होगी. ये मान लो मेरे पास थोड़ा सा काम है.
आई टू बन जाएगा और ये नॉर्मल के साथ में ये बनेगा आपका आर टू। एक बार डायग्राम में नजर मार लो, डायग्राम में कौन सी चीज क्या क्या है, ठीक है। हालांकि ये बोर्ड कम से कम इतना चौड़ा होता तो ये प्रॉपरली ये दिखता, अब क्योंकि ये कर्वेचर ज्यादा लेना पड़ा है अब आपको सीधी ट्रायंगल्स नहीं दिखेगी। अब मैं बोलूंगा ये ट्रायंगल ये थोड़ा अजीब सा हो रहा है, एक्सटर्नल एंगल बनने में अजीब सा सिस्टम लगेगा और ये डायग्राम ठीक नहीं है, डायग्राम प्रॉपर नहीं है तो कोई भी ये टॉपिक कर ही नहीं सकता। बाकी एक बार जल्दी चेक करो भाई डायग्राम में डाउट तो नहीं है, अगर ये ऐसे ही चली जाती है। देखो हालांकि डेट अगर नहीं पड़ी मेरे को, ये मैं इसको ऐसे लेके जाता ना, ये यहाँ पे पेंट करती इसकी बात क्या, ठीक है। पर फिर भी टेडी करनी पड़ी, अब क्या करें, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट सीधी है, मतलब ये सीधी लाइन माननी पड़ेगी आपको, तो ऐसे होता होता पर हुआ नहीं, मीडियम चेंज हो गया फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस टाइप से होगी भाई, ठीक है ना। इस टाइप से आपकी इमेज बनी यहाँ पे आई, इमेज के साथ में एंगल होता है भाई बीटा और ये बीटा वन मान लो, ठीक है। तो ये है आपका, इधर हमने ए पॉइंट मान लिया, इधर बी पॉइंट, इधर परपेंडिकुलर एम वन ड्रॉ कर दिया, उधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एम टू। जल्दी कमेंट करके बता दो भाई कोई दिक्कत हो, तू मैथ की भी क्लास देखी थी कि नहीं देखती, ऑफलाइन देखी थी नहीं देखी थी। ये ट्रायंगल ये ऐसे सीधी, ये ट्रायंगल है,
AC1 I1, ट्रायंगल है AC1 I1, इसका एक्सटर्नल एंगल है गामा 1, इसका एक्सटर्नल एंगल है गामा 1, तो गामा 1 किसके बराबर हो जाएगा R1 + β1 के, इंटीरियर अपोजिट एंगल R1 + β1, आपको R1 चाहिए, R1 आ जाएगा γ1 - β1। भाई साहब γ1 क्या होगा, γ1 ये रहा, γ1 आपने पहले भी निकाला है, γ1 ये रहा am1 / m1c1, γ1 की जगह am1 / m1c1, -β1, β1 ये रहा, β1 हो जाएगा am1 / m1 i1, am1 / m1 i1, ठीक है भाई, ठीक है। R1 की वैल्यू पुट कर दो भाई, इधर ये R1 था, जिसने पीछे वाले टॉपिक करे हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा, बस ये डायग्राम में बस ये चीज जो मैंने बताई है ध्यान देने की, आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है R1 की जगह am1 / m1c1 - am1 / m1 i1, am1 कॉमन लेके काट सकते हैं, मैं सीधा काट रहा हूं, पीछे ध्यान है जितने भी धरती पे सारे MC हैं उनको इकट्ठा करना होता है, इतने MC हैं, MC को इकट्ठा कर लो, यहाँ पे M1C1 है बस, यहाँ पे MC तो लो भाई, इतने कौन कौन MC हैं, एक तो इधर ये बनेगा MC, एक ही इसको बोल लो μ1 / μ1 / m1c1 = μ2 / m1 c1 - μ2 / m1 i1, MC को इकट्ठा करना है, ठीक है, आप क्या करो OM वाले को तो इधर ले लो, μ1 / μ1 ये as it is, प्लस का μ2 / μ1 i1, इधर इस MC को पड़े रहने दो, μ2 / μ1 c1, इस MC को दूसरे MC के पास ले लो, μ1 / μ1 c1, तो इधर आपका ये थाई R2 का है ये,
ये रहा आर्क। अगर आप देखो ये ट्राइंगल, इसका एक्सटर्नल एंगल है आर टू, है कि नहीं है? तो आर टू को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो आप ट्राइंगल देखो, बी सी टू आई, बी सी टू आई, इसका एक्सटर्नल एंगल है आर टू, तो आर टू हो जाएगा भाई गामा टू प्लस बीटा। गामा टू क्या है भाई आपका? गामा टू निकाला था बी एम टू बटे एम टू सी टू निकाला था ना ये, प्लस का बीटा, बीटा ये रहा भाई बीटा बी एम टू बटे एम टू आई, एम टू आई क्या क्या, ठीक है। अब इस ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आई टू और आर टू इन दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे हम, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो भाई म्यू टू इंटू आई टू, आई टू है बी एम टू अपॉन एम टू सी टू प्लस बी एम टू अपॉन एम टू आई वन बराबर है म्यू वन आर टू। आर टू क्या है भाई अपना? बी एम टू अपॉन एम टू प्लस बी एम टू अपॉन एम टू आई। भाई यहाँ पे बी एम टू को मन लेंगे दोनों साइड और काट सकते हैं, तो मैं पहले काट रहा हूँ। और आपको पता है एम सी सारे इकट्ठे करने हैं, एक एम सी ये रहा, एक एम सी ये रहा, यहाँ पे एम ये एम सी टू वाला है, पहले एम सी वन वाला था। यहाँ पे बोलोगे आप इसको तो म्यू टू बटे एम टू सी टू प्लस म्यू टू बटे एम टू आई वन बराबर है म्यू वन अपॉन में भाई। ये दो एमसी है, एक एमसी इधर है, एक एमसी इधर है, दोनों एमसी को इकट्ठे करो, ठीक है। आप क्या करो, मान लो इसको इधर लिया, ये हो जाएगा म्यू इस साइड लिखो, म्यू टू माइनस म्यू वन बटे एम टू सी टू बराबर है, इधर बचेगा आपका म्यू वन अपॉन एम टू आई वन माइनस का म्यू टू अपॉन डायग्राम तो मैंने आप लोगों को पढ़ने को दिए थे, आपने पढ़ लिया होगा। और लेंस फॉर्मूला शायद अपन ने कल डिराइव कर लिया, मैग्निफिकेशन भी होगी, पावर भी होगी, और दो लेंस है उनको जोड़ दे उनकी पावर क्या होगी, इंसिडेंट पावर क्या होगी, ठीक है। तो आपका ये तो खत्म ही हो गया, तो मतलब ये वाला ही बच गया,
अगर स्मॉल है तो पास में लाई करेंगे, M1 हटा देता हूँ, सारे M हो गए, M2 और M1 सारे के सारे क्या हो गए, M हो गए। अब इनको मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। देखो जोड़ने से पहले पहले पुट करेंगे U1/OM भाई, OM है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता माइनस U होगा ना, प्लस में U2/MI1 M I1 ठीक है। ये क्या है भाई अपना V बराबर है U2-U1, इसको मैं एक बार MI1 ले MI1 छोड़ दूँ मैं, U2-U1 अपॉन ये MC1 था ना, ये MC1 ये हो जाएगा जी आपका R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसमें जुड़ेगा आपका ये, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो U2-U1 अपॉन में MC2 मतलब R2 बराबर है U1/MI, MI होता है जी V, माइनस U2/MI1 एज इट इज। अब जब आप दोनों को जोड़ोगे तो U2/MI1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इधर इन दोनों में ये तो एक साइड जुड़ेंगे, आपका बचेगा क्या भाई, अब आपका इधर बैठ जाता हूं मैं, U1 - U1/U ये जुड़ेगा प्लस का U1/V बराबर है U2-U1 को मान ले लोगे 1/R1 1/R2 भाई, एक नेगेटिव होगा दूसरी साइड, एक साइड का पॉजिटिव ले लेंगे तो दूसरी साइड का क्या लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। फिर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, U1 कॉमन ले लिया तो 1/V - 1/U बच गया, ये बच गया ना, बराबर है U2-U1 1/R1 + 1/R2। अब 1/V - 1/U क्या होता है, 1/F, और 1/F क्या होता है पावर टू, तो मैं 1/F लिख सकता हूँ इसको, और इसको मैं μ1 को नीचे ले जाऊंगा तो μ2/μ1 - μ1/μ1 × 1/R1 + 1/R2, μ1/μ1 से μ1/μ1 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर μ2/μ1 में μ1 बचेगा, 1/F बराबर है μ, खाली भाई μ2/μ1 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ12 क्या होता है, μ2/μ1, और μ21 क्या होता है, μ2/μ1 ठीक है ना, तो ये μ-1 × 1/R1 + 1/R2 ये आ गया आपका, ये आपका फॉर्मूला है, जहाँ जो चीज पॉजिटिव होगी भाई वो पॉजिटिव ले लियो, जहाँ जो नेगेटिव आती है वो अपने नेगेटिव सब्स्टिट्यूट कर लियो, ये सॉल्यूशन है। और मेरे हिसाब से तो भाई बचा नहीं है कुछ भी, और आपके हिसाब में अगर कुछ बच रहा हो तो वो बता दो, बचा ही नहीं है मेरे हिसाब में। अच्छा ये अपने कर लेना भाई, मैं माइनस माइनस मैंने यहाँ पे सीधा प्लस में जोड़ दिया, एक अगर इस साइड का पॉजिटिव ले लिया तो उस साइड का नेगेटिव होगा, ये ध्यान दे देना, R1 और R2 में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है ना, ये आप खुद कर लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे बताई दिया, ठीक है। आ गया समझ में कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके बताओ भाई, कल मैंने आपको काम दिया था, आप मेरे को निकाल के दिखाओ जल्दी, और व्हाट्सएप पे सेंड करोगे सारे, अभी अभी लाइव ही है और अभी सेंड करना है आपको, आप मेरे को फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाओ, फ्रिंज विड्थ निकाल के दिखाओ जल्दी जल्दी, वेव ऑफ टैक्सी थी आपको, जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाओ, जल्दी जल्दी
उसका हो जाए ना पहले मेरे को कहीं पे कमेंट करके बताएगा मेरा हो गया और मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। जिंदगी भर याद रखता यार तू मूर्ख है क्या? तू तीसरी क्लास का बच्चा है? मतलब एक्सप्रेशन करना है फिर डायग्राम बना के करना है, बिना डायग्राम के कैसे होगा एक्सप्रेशन? अबे फ्रिज ही नहीं बनाएगा तो कैसे बनेगा? डायग्राम से है सारा सिस्टम, क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे पूछेगा मूर्खों वाले बिल्कुल। फिजिक्स में जहां पे भी डायग्राम है डायग्राम बनाना पड़ता है, बिना डायग्राम के कोई चीज नहीं होती। कोई 11th क्लास का बच्चा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 12th क्लास में होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा तू मेरे से? हाँ नहीं आया, कुछ और चीज है और दिक्कत है, वो पूछ ले। क्वेश्चन पूछ रहा है डायग्राम भी बनाना है क्या? क्यों नहीं बनाना भाई, बिना डायग्राम के कैसे बना देगा?
मेरा भी है फिर भी पता नहीं किस तरह रण अरे ऋतु का नंबर है किसी ऋतु आई थी आई थी कि नहीं।